खेल के दौरान चोट, सिरदर्द एवं चिड़चिड़ापन, वजन कम करना, मधुमेह में नस कमजोर होना, मोच एवं एड़ी का दर्द, चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिटनेस ट्रेनिंग। हमारा पता है अलका क्लिनिक, स्टेट बैंक रोड, जिला अस्पताल सीधी, मध्य प्रदेश, निजी निवास, नूतन कॉलोनी, संस्कार स्कूल, मौर्य किराना स्टोर के पास सीधी। संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर में 9425-88-740। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त सीधी का एकमात्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक। फल के कार्टून में मिली सीधी के नवजात बच्ची, चौराहट बाईपास में लावारिस छोड़ के चले गए माता पिता, यह कलयुग के अंतिम चरण के आभास करावत है। दावा करी थे हम पचे की 21वीं शताब्दी में जिल लागे, किंतु यह सीधी जिला के वह काला पक्ष, स्याह पक्ष सामने आ रहा है, जो अपना और हमार सबके हृदय झकझोरे के काम करत है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल मा हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। बेहद बड़ी खबर है जो सीधी के नाम के विपरीत टेढ़ी बिल्कुल प्रदर्शित होती। जैसा कि अपना पंचे जानी थे कि पूरा देश जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा के साथ हर दिन बिटिया कलई के जागरूकता के दुहाई देत है, परंतु बड़े महानगरन के भांति जो है सीधी जिलों में एक दिल दहला दे वाली घटना सामने आई है, जौने में एक नवजात बच्ची का, नवजात बिटिया का ओके कलयुगी माता पिता के द्वारा एक फल के कार्टून में बंद करके सड़क के किनारे फेंक देगा। जानकारी के अनुसार अपना पंचायत को बताया कि चुरहट नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 7 के बाईपास रोड में मंगलवार का सुबह जो है टहले खेती लोग जब निकले तो उनके द्वारा एक सड़क में रखा बॉक्स किनारे दिखिन, जो जो है विधिवत पैकिंग करके वह बॉक्स रखा रहा, फल के कार्टून रखा रहा, जो उन्हें का कुछ लोगों के द्वारा जो है नवजात बच्चा के किलकारी सुनाई दिन गए। एक ही पश्चात जब बॉक्स खोल के दिखिन तो लोगन के होश उड़ गया, ओ मैं एक नवजात शिशु पावागा। मौका पर उपस्थित जो है लोगन के द्वारा तत्काल आनंद फानन मा डायल 100 का सूचना दिन गए। थाना प्रभारी हितेन्द्र नाथ शर्मा का फोन किनगा, थाना प्रभारी सूचना पहुंचे जो है महिला पुलिस का एवं जो है 100 डायल का दोनों का मौके पर पहुंचे के तत्काल आदेश दिन, और वहां पहुंचे पर पुलिस के द्वारा जांच किन गए एवं जो है नवजात बच्चा का चुरहट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाए के भर्ती करा पागा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राप्त जानकारी के अनुसार नवजात शिशु जो है बच्ची आए बिटिया आए और बताबा यह कि ओके बाद जो है जब एडमिट कीनगा तो हालत गंभीर हो के कारण जिला अस्पताल सीधी रेफर कर दीनगा है। यह पूरे मामला में एक बेहद मार्मिक पक्ष आवा है सामने, जौने मा TI हितेन्द्र नाथ शर्मा के एक बेहद बेहतरीन पक्ष सामने आवा, जौने मा अपना प्रचार बताया दी कि चुरहट थाना प्रभारी हितेन्द्र नाथ शर्मा के द्वारा जो है यह घोषणा करत कीन कहागा कि जब तक यह नवजात बेटी का कोनो वाजिब संरक्षक नहीं मिले तब तक यह बच्ची के देख रेख और पालन पोषण की व्यवस्था उनके द्वारा कीन जाए। और सूत्रन के मुताबिक वैसा था कई अक्के लोग जो है बच्ची का गोद लेकर तैयार हैं, लेकिन थाना प्रभारी के कहब है जब तक वाजिब संरक्षक नहीं मिल जाए तब तक बच्ची है उनके संरक्षण में रही। लोगों के कहब यह है कि बच्ची जो है नवरात्र के आखिरी दिन में पाई गई ही, ऐसे या पूरे घटनाक्रम के बाद जो है बिटिया जो है चुरहट की बेटी कही और उनके मदद का सब आगे आवे का तैयार है। चुरहट क्षेत्र के सभी नागरिकन के द्वारा आगे आए के मदद करे के मनसा जताई गई है। तो यह बेहद जो है मार्मिक कहा जाए घटना है, जो एक और जो है वह चेहरा दिखावा थी, जो पूरी तरह से कहा जाए कि यह कलयुग के आसार दिखावा थे कि माता पिता के वह संतान वह बच्ची ओकर का यह गलती रही कि वह दुनिया में आई तो बच्ची बन गए, बच्ची रही तो ऐसे ओकर सड़क के किनारे कार्टून में फेंक देगा। आखिर का वजह कौने समाज में हम अपना जील लागे, सवाल बड़ा है। और यह समाज के जो स्याह पक्ष है, जो काला पक्ष है, निश्चित तौर पर हमारे अपना सबके खातिर एक बेहद बड़ी जो है बात है कि या काला पक्ष ताउम्र सीधी चुरहट मा नाम से जुड़ गई कि एक बिटिया जब जब हुआ बिटिया के चेहरा लोग देखी ही और बिटिया जब बड़ी हुई तो ओके साथ या घटना जरूर जुड़ी हुई। यह घटना हमार तरुणता खड़ा के भी सपना के करीस के नहीं करीस, निश्चित तौर पर यह सामाजिक बुराई और यह बिटिया के प्रति लोगन के कहा जाए कि यह दुर्व्यवहार का बिटिया हो अपराध है। आज के यदि बात की जाए तो यह 21वीं शताब्दी आए और अब लड़का और बिटिया मां कोनो अंतर नहीं आए। निश्चित तौर पर जे यह अंतर पैदा करत है और जे
सामाजिक या रीति रिवाज में बधे हैं और यह अंतर की बात करते हैं, निश्चित तौर पर एक बेहद मूर्ख लोग हैं, बेहद दरिंदा टाइप के लोग हैं, जे केवल और केवल अपने फायदा और नुकसान का संतानों में ढूंढते हैं। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।